दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। सऊदी अरब हो या फिर तुर्की या फिर दुनिया के तमाम कोई भी इस्लामिक देश क्यों ना रहे हो, उदाहरण के लिए आप मिस्र ले लीजिए, उदाहरण के लिए आप रूस ले लीजिए, तुर्की ले लीजिए, फ्रांस ले लीजिए और अमेरिका, तो अपने आप में गढ़ है सनातन संस्कृति का। उसी तरह ये भी एक समय सनातन संस्कृति का गढ़ हुआ करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे अन्य मजहबों और पंथों का उदय होना प्रारंभ हुआ। उदय होना इस कदर प्रारंभ हुआ कि उन मजहबों में जो कट्टरपंथियां हैं, उन्होंने सनातन धर्म की निशानियों को मिटाना प्रारंभ कर दिया। सनातन धर्म की जो निशानियां थी उनको मॉडिफाई कर दिया, ताकि कहीं ये ना पता लग जाए कि ये नया नवेला धर्म है। क्योंकि उस समय के लोगों को अगर कोई ये कहे कि ये तो हम नए नए बने हैं, तो शायद कोई आएगा नहीं। इसलिए इन सारे मजहबों ने अपने लोगों को ये बताया कि देखिए, हम सृष्टि के आरंभ से हैं, हम सबसे पुराने हैं और हम ही असली मजहब हैं, धर्म हैं। तुम लोग जिस धर्म का पालन कर रहे हो, जो संस्कृति का पालन कर रहे हो, वो खराब है, उसमें कुरीतियां हैं। कुरान क्या कहता है, जिस धर्म पर तुम अमल कर रहे हो इस्लाम, ये नया धर्म है ही नहीं। इस्लाम धर्म जब इंसान ने इस धरती पे, इस जमीन पे कदम रखा, उस वक्त से पहले से इस्लाम है। सबको पता है कि इस्लाम 1400 से ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन विडंबना देखिए कि ये बात भी नहीं मानी जाती। ना सिर्फ इसमें इस्लाम आता है, बल्कि आप किसी बौद्ध से पूछ लीजिए जाकर के कि बौद्ध धर्म कितना पुराना है, तो वो कहेगा अरे भगवान बुद्ध थोड़ी ना थे, प्रवर्तक इसके, इनसे पहले भी 22 बुद्ध आ चुके थे। सनातन कुछ धर्म ही नहीं है, सनातन धर्म तो पाखंड है। अब इनसे ये सवाल किया जाए कि जब तुम्हारे 22 बुद्ध पहले आ चुके थे, तो फिर सनातन वाले पाखंडी जिन्हें तुम कहते हो, इनको कब टाइम मिल गया कि इन्होंने इतना बड़ा धर्म खड़ा कर दिया, और वो भी 50 के दशक से पहले तो तुम थे भी नहीं। तुम तो तभी बने ना जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया। इससे पहले ये थ्योरीज कहाँ चली गई थी, इससे पहले तुम कहाँ थे भाई, हद है भाई इन लोगों पे। खैर, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सऊदी अरब आखिर क्या छिपा रहा है। सऊदी अरब में ऐसा क्या था इस्लाम से पहले, जिसको वहाँ के कट्टरपंथी दबाव बना रहे हैं MBS पर कि उन चीजों को छिपाए। तो क्या था ऐसा, चलिए जानते हैं। स्वागत है आपका आपके चैनल द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। दोस्तों, 6वीं शताब्दी में जो पैगम्बर मोहम्मद थे, कुरैश कबीले के थे, और उन्हीं को माना जाता है कि उन्होंने इस्लाम की शुरुआत करी। सऊदी अरब में जब इस्लाम नहीं था, तो आखिर वहाँ का जनजीवन कैसा था, वे किस धर्म को मानते थे, ये सवाल हमेशा से दुनिया के लिए एक पहेली बने हुए हैं। और इस पर तमाम विदेशी इतिहासकारों ने ये थ्योरी भी दी है कि आखिर काबा में या सऊदी अरब में इस्लाम से पहले क्या था। जिनमें से अगर हम विदेशी इतिहासकारों की थ्योरीज पढ़ते हैं, तो 100 में से 90 हिस्टोरियन ये बात बोलते हैं कि वहां पर सनातन धर्म का राज था। इससे जुड़े कई तथ्य सबूत वो अपनी पुस्तकों में दे चुके हैं, जिनके बारे में हम अपने पिछले वीडियोस में विस्तृत रूप से चर्चा भी करें। लेकिन जो मूल बात हमें देखने को मिलती है, जिसको अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो हमें ये समझ में आती है, जिसको हम अगर थ्योरीज से हटा करके मुख्य फैक्ट पर लाएं, तो वो ये है कि आज के समय में भी सऊदी अरब में 3 देवियों का उल्लेख मिलता है, उनकी मूर्तियां मिलती हैं और उनकी तस्वीरें आप भी देख सकते हैं। ये जो स्क्रीन पर आप 3 देवियों की तस्वीरें देख रहे हैं, ये सऊदी अरब में एक नहीं बल्कि तमाम जगहों पर इस तरह की प्राप्त हुई हैं। इसमें आप शेर पर गौर कीजिए, क्या शेर का अस्तित्व सऊदी अरब में था? सऊदी अरब में तो ऊंट हुआ करते थे। आपने देखा कि सऊदी अरब आज भी अपनी संस्कृति को ऊंट लगाकर प्रमोट करता है। तो ध्यान दीजिए कि सऊदी अरब में आखिर ये शेर कैसे आ गए, और ऊपर जो देवियां हैं इन पर गौर कीजिए, क्या इनकी वेशभूषा आपको किसी भी तरह से इस्लामी दिख रही है? क्या ये देवियां अपने मुंह पर किसी भी तरह का बुरका लपेटे हुए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। या अगर हम इनके परिधान को देखते हैं, जूम करते हैं इस तस्वीर को, तो देखने में ये समझ आता है कि ये किसी भी तरह से मुस्लिम महिलाओं की तरह कुछ भी नहीं पहने हुई है, ये तो साड़ी पहने हुई है। क्या साड़ी का कॉन्सेप्ट किसी भी इस्लामिक देश में आज हमें देखने को मिलता है? जाहिर तौर पर बिल्कुल नहीं मिलता है। दोस्तों, इन देवियों में से पहली देवी का नाम अललात है, आज के समय के अनुसार इनका नाम रखा गया है, पहले क्या था इसके बारे में नहीं पता। दूसरी देवी का नाम मनात है, और तीसरी देवी का नाम अल
उज्जा है। और आपको जानकर ये हैरानी होगी, जिन 360 मूर्तियों के होने की बात खुद इस्लामिक पुस्तकें करती हैं, कुरान हदीथ करती है, उन्हीं से इन देवियों का भी संबंध है। दरअसल ये मूर्ति जहाँ मिली है वो काबा के पास ही मिली है, और इन तीनों देवियों के मंदिर मक्का के पास ही बने थे। इसमें अगर हम कोई दूर की थ्योरी या कॉन्सेप्ट ना भी बनाएं, तो ये समझ में आता है कि सऊदी अरब के लोग भी सनातन धर्मियों की तरह प्रकृति पूजक थे, और वे मूर्ति बनाकर अपने इष्ट देवताओं की पूजा करते थे। इनके वेशभूषा और परिधान को देख कर समझ आता है कि जब असली सऊदी अरब में साड़ी पहनी जाती थी, तब कोई बुर्का नहीं पहना जाता था, और तब इस तरह जो है आभूषण पहने जाते थे। और जिन देवियों की सवारी शेर थी, वो समझ में आता है कि सीधे तौर पर इनका जुड़ाव सनातन संस्कृति से ही है। इसके अलावा दोस्तों, जो मक्का शहर है उसकी जो मुख्य मस्जिद है, वहां पर एक चबूतरा बना है, और इसको ही लोग काबा कहते हैं। यहीं पर इन तीनों देवियों की पूजा की जाती थी, और ये बात तमाम मुस्लिम इतिहासकार खुद लिखते हैं। इनके अलावा दोस्तों, यहाँ पर एक और देवता की मूर्ति मिली है जिसका नाम हुबल है, और माना जाता है कि जो हुबल देवता थे वो चंद्रमा को नियंत्रित करते थे, और अल्लाह नाम के कोई मुख्य देवता हुआ करते थे, और इस पूजा के बाद काबे की परिक्रमा होती थी। और मोहम्मद साहब ने जिस घर में जन्म लिया था या जिस वंश में जन्म लिया था, उनकी जो देवी थी, जो जिन्हें हम कुल देवी कहते हैं, वो अल्लाद थी। ये अल्लाद की तस्वीर है जो आप देख रहे हैं कि इन्होंने हाथ उठाया हुआ है, एक आशीर्वाद की मुद्रा में बनी हुई यह मूर्ति है। अगर आपके मन में डाउट हो रहा है कि ये मूर्ति सऊदी अरब में नहीं हो सकती है, तो आप खुद गूगल कर सकते हैं, कोई भी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, वीडियोस चेक करते हैं। हालांकि हमने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपकी विश्वसनीयता पर कोई भी तरह का प्रश्न चिन्ह ना हो। तो ये अल्लाद थी, जो कि पैगंबर मोहम्मद की भी कुल देवी थी, और काबा की तरह इनका मंदिर भी काफी पवित्र माना जाता था। यहाँ पर लोग उनकी पूजा करते थे, लेकिन फिर उदय होता है मोहम्मद साहब का, और वो कहते हैं कि हम हैं अल्लाह के संदेश वाहक, हम हैं पैगंबर, और हम चाहते हैं कि इन सभी देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ दी जाएं। और होता यही है, पूरे देश में जो अलग अलग हिस्सों में बने मंदिर थे, जो मूर्तियां थी, उनको ढहा दिया गया। सबसे ज्यादा जो विध्वंस हुआ वो काबा के क्षेत्र में ही हुआ। काबा में 360 मूर्तियां थी जिनको एक साथ तोड़ा गया। साथ ही ये कहा गया कि अब तुम्हें किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं करनी है, तुम्हें अब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है। और इसके सबूत आज भी सऊदी अरब में भरे पड़े हैं। सऊदी अरब में जितना मंदिरों और मूर्तियों का विध्वंस हुआ है, उतना शायद ही कहीं हुआ हो, उतना तो आज भी कोई नहीं कर पाया। उदाहरण के लिए मैं आपको अगर सबूतों की बात करूं, तो अभी सऊदी अरब में करीब 3000 साल पुराना एक मंदिर मिला था, और जिसमें सूर्य वेदी बनी हुई थी। उसके बाद थोड़े ही दिन बाद एक और मंदिर मिल गया, जिसमें कई प्राचीन कलाकृतियां मिल रही थी, जो सीधे तौर पर बता रही थी कि सऊदी अरब का सीधे जुड़ाव सनातन धर्म से रहा है। दोस्तों, सऊदी सरकार और सऊदी अरब के कट्टरपंथियों में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है इन सारे विषयों पर। जहां मोहम्मद बिन सलमान ये चाहते हैं कि उनका देश कट्टरपंथ से बाहर आए और सभी धर्मों को सम्मान दे, वहीं जो कट्टरपंथी हैं वो चाह रहे हैं कि ये चीजें दुनिया के सामने ना आ पाए। यहाँ तक कि ये जो तीनों देवियों की मूर्ति निकली है, इनको भी तोड़ने की बात कट्टरपंथी कर रहे हैं, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने कहा हम ऐसा नहीं कर सकते। यानी कट्टरपंथियों को ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि सऊदी निवासियों का जो हृदय परिवर्तन है वो ना हो जाए, इसलिए वो चाहते हैं कि हम एक इस्लाम के रक्षक के तौर पर उभरें और दुनिया में अपना दबदबा बनाए रखें। इन कट्टरपंथियों को ये भी डर है कि कहीं अगर आम लोगों को ये बात पता चल गई तो इस्लाम की नींव कमजोर हो सकती है, इसलिए ये चीजें सऊदी में हो रही हैं। तो दोस्तों, आपका इस पर क्या विचार है? आखिर सऊदी अरब में जो कट्टरपंथी ये डर क्यों रहे हैं? इनका उद्देश्य क्या है? आखिर क्यों ये अपने असली इतिहास से भाग रहे हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।